हाथरे डिग्री सिना नहीं दक्षता देछि स्वतंत्र परिचय षष्ठ श्रेणी रु पाठ पढ़ारे बांधिथिले डोरी अर्थ अभाव जावतीय चाप सत्वे महकिछि प्रतिभा प्रेमराजों तुलीर स्पर्शरे जीवंत हेउछि चित्रकला पल्लीरु दिल्ली जाए व्यापी चित्रकलार ख्याति रंग आउ तुली धरी कानभास आकाशरे अनवरत जारी रही सृष्टि सर्जना हाथर स्पर्शरे जीवंत रूप अनेक चित्र आउ चरित्र भल भाव आपण भी देखु ए सबु चित्रकला चित्रकला सबको देखिले जे कि भी घड़ी अटक निश्चय आमे कहु सुवर्णपुर जिला पुलुंडा ब्लॉक नारायण टिकरा गाँव प्रेमराज मेहर प्रतिभार कथा बुणाकार परिवार रे तांकर जन्म पाठ बेसी पढ़ी नहांती किंतु लक्ष्य कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास बलरे से आज छुई सफलतार शिखर जातीय स्तर रे हासिल करिसंती बेस प्रसिद्धि घरर अभाव अनटन जो षष्ठ श्रेणी रे ही पाठपढ़ बांधिबाकु पड़ीथिला डोरी हेले कौलिक वृत्तिर प्रेरणा रे तयारी होइतिबा सृजनशीलता परे चित्रकला आड़कु ढळीथिला अभावर अंधार भितरु उंकी मारिथिला प्रतिभा छोटबेळु ही तांको चित्रकला अन्य मानंकु आकर्षित करिबारे लागिला बिना तालीम रे जेमिति चाहुथिले अबिकळ आंकि देउथिले समय बीतवा सह प्रेमराज पालटी गले पोखत चित्रशिल्पी देखो आर्ट लाइन टा मत छोड़ दिनु ही इंटरेस्ट अच्छे मुझे छोड़ दिनु किसी ना किसी करू थी आर्ट के कंटिन्यू कर छ पढ़ला पर मुझे पढ़ा छाणी देती कि छाणला पर भी मुझे आर्ट प्रति मोर इंटरेस्ट थी आर्ट के कंटिन्यू रखी घर काम कर लुगा बुना बुनी कर मुझे आर्ट ड्रइंग करूँ सब तो धीरे धीरे से काम आ तार मैंने भल एत गला तो आखर पाखर लोग जहाँ लोग मोर सांग सखा समस्ते जानी आसिक देखले समस्ते तार बहुत बढ़िया होते हैं कंटिन्यू रख आगे तार मैंने बड़ बड़ जहाँ मैं तार भल भैल्यू अच्छे दुई पैसा कमानी मैंने काम मिल पार्बार लोग जानी पार्बे कहे तो से जिनटा मुझे कंटिन्यू रखी थी तपुर मुझे धीरे धीरे दिल्ली गली दिल्ली गलापर छोटिया पटिया काम मैंने नहीं कि मुझे तार मैंने मोर खर्चा बार करीरे धीरे से काम मैंने लोग जानते गले काम बढ़ते गला सब आड़े जनता लोग जानते गले बड़ बड़ काम मैंने धीरे धीरे मिलते गला तो बड़ बड़ काम मैंने मिलते गला फिर धीरे धीरे लोग आर जनता जानते गले मुझे फिर एग्जीबिशन मैंने कली बड़ बड़ गैलरी मान को तो सोलो शो ये सोलो शो तो नहीं हमारे ग्रुप शो मैंने कली से पेंटिंग मैंने भी सेल है आर अर्डर मैंने मिलते मिलला मत होटेल मान काम मैंने भी कली फिर धीरे फिर पर मुई हजकास विलेज रे मोर स्टूडियो खोलिकी से मोर पेंटिंग मैंने डिस्प्ले करके आने भी सेल कली प्लस मैं स्टूडेंट मैं आर्ट क्लास मैंने दौचे शिखौचे आर बाहर स्टूडेंट मैंने आसे भी शिखौचे तो से जिनिस मैंने यानी कोरोना लगे बंद हो जाए तो मैं गाँव में आसिक करूचे गाँव में जहाँ सब जिनिस तो सामान मोर पाखे नाइन कितना जहाँ अच्छे से बनाऊे इन थी मुझे स्टूडेंट मैं ऑनलाइन क्लास दौचे बिल बहुत बहुत अलग अलग जगह जोड़ूचन बॉम्बे बेंगलोर कोलकाता ये सब जगह मानू आसिक लोग जोड़ ऑनलाइन क्लास करुँ मोदी मत इंडियन नेवी रोटे अर्डर मिलता मुझे बनई थी से पेंटिंग मोदी पाखे जबार था से पेंटिंग नहींक्रे तो कोरोना ले ना जापाल आर मुझे राष्ट्रपति पेंटिंग बनाऊली तो मुझे निजे जाकर गिफ्ट करमी बोलकर से आम योजना चली और कथबार्ता भी चली तो कोरोना ले सब जिन बंद हो जाए तो कोरोना मैंने नर्मल है फिर चेषा कर देखा करेंटिंग चेषा कर निज प्रतिभा एवं समुद्री स्वप्न को पुंजी करी दस वर्ष तले दिल्ली को चली जाइथिले प्रेमराज साथिरे थिला परिवार लोकंक अकुंठता प्रेरणा दिल्ली
ଧୀରେ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଚିତ୍ର କରୁ କରୁ ବନିଗଲେ ଜଣେ ପୋଖତ ଚିତ୍ରକର। ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ହଜଖାସ ଭିଲେଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲିଲେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ମେହେର ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚିତ୍ରକଳା ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ଜାରି ରହିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କାମ। ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମରାଜଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ହଁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ତାର ଆର୍ଟ କାମ ଉପରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟ କାମ କରେ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରର ତାର କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛେ, ଆର୍ଟ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ବୋଇଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଇଲେ ବେଲେ ଇଏ କହିଲା ମୁଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିମି ବୋଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ସେନେ ବହୁତ ତାର ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଗଲେ, ଲୋକ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଭଲ 2 ପଇସା ଗଲେ କମାଣି ହେଲା ସେନେ। ଆର୍ ଏବେ ବି ଇହାଦେ ତାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟେ ଖୋଲିକିରି ସେନେ ପିଲାକୁ ଶିଖଉଛେ। ଆରେ କରୋନା ଲାଗି ଇହାଦେ ଘରକେ ପଲେଇ ଆସିଛେ। ଆର୍ ଇହାଦେ ଘରେ ବି କିଛି କିଛି ଆର୍ଟ କାମ କରିକିରି ପିଲାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗଲେ ଶିଖଉଛେ। ଆର୍ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଆର୍ ଟିକେ ଇଏ ଉପରେ କରୁ ଭଲ ଭାବେ। ଆର୍ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକେ ଯିବା। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଛୋଟ ବେଳୁ ଛାଣି ଦେଲା, କମ୍ ପଢ଼ିଲା, ତାହିଁରୁ ଆମର କାମ କରିବାର ଲାଗି ସେ ଚାହିଁଲା, କାମ କରି ବସିଲା। ତାହିଁରୁ ସେ ଚିତ୍ରଟେ ତାର ହାତେ ଆଉଛେ, ଚିତ୍ର କାଟି ବସିଲା। କାଟୁନ୍ କାଟୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ରମାନେ କାଟିଲା, ସବେ ଯା ଦେଖିକିରି ସବେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାହିଁରୁ ହେନ୍ତି ହେନ୍ତି କାଟି କାଟିକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ମାନେ କଲାଗଲି। ଆମର କାମ କରିବେଲୁ ଯେ ଆମର କାମ ବଲା କି ମୁଇଁ କାମ କରିକିରି କାଣ କର୍ମି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ମୋର ହାତେ ବାହାରୁଛେ, ଆର୍ ମୁଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାହାର କରାମି, ତମେ ମୋତେ ମନା ନାଇଁ କର ଆର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବେଲା। ହେଲେ ହେଟା ଆମର ଭାଇ ପୁଅଟେ ରହୁଛେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତାହାକେ ହେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ପଚରାଉଚରା କଲୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଲୁଛେ ହେନ ବଲା ଯେ, ତା ସେନ୍କେ ଗଲା। ସେନ୍କେ ଗଲା ଯେ ସେନ ଯାଇକିରି ରହିକିରି ସବୁନ ଚିହ୍ନାଚନା ରହିକିରି ବହୁତ ଇହାଦେ ବହୁତ ପଇସା କମାଲାନ ଆର୍ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ଗଲାନ ସେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗଲେ ଖୁସି, ଆର୍ ସେନ ଗଲେ ଲୋକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାର କାମ ଦେଖିକରି। ପ୍ରେମରାଜଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ସବୁତକ ଚିତ୍ର। ଦିନେ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା ପ୍ରେମରାଜ ଆଜି ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି ଚିତ୍ରକଳା କରିବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରେମରାଜ ମେହେର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାରାୟଣ ଟିକରା ଗାଁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।